आमतौर पर आपने पुलिस की जुए और सट्टे पर कार्यवाही करने की तमाम खबरें पढ़ी और देखी भी होंगी, लेकिन अगर पुलिसकर्मी खुद जुआ खेलने लगे तो क्या कहिएगा। ये तस्वीरें भी विस्तार से दिखलाना और बतलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये पुलिसकर्मी जो देशभक्ति जनसेवा का दम भरते हैं, खुद लोगों के बीच जुए पर ताश के पत्तों में दांव लगाते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की हैं, जहां जब वीडियो वायरल हुआ तो हालांकि पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 6 पुलिसकर्मी, जिसमें से एक हेड कांस्टेबल भी शामिल है और 5 आरक्षक हैं, थाना कोतवाली और थाना देहात के यह 6 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें पुलिस अधीक्षक ने फिलहाल निलंबित कर दिया है। तस्वीरें अगर देखेंगे आप तो लगभग एक दर्जन लोग जुआ खेलते नज़र आ रहे हैं, हार जीत का दांव लगाते नज़र आ रहे हैं। उसी हार जीत के दांव जिस पर पुलिस एक्शन लेते हैं, उसी हार जीत के दांव पर जब आरोपी पकड़े जाते हैं तो पुलिस जुलूस भी निकालती है, और उसी हार जीत के दांव पर जब पुलिस कई बार जुलूस निकलवाने में यह भी कहलाती है कि जुआ खेलना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। अब ऐसे पुलिसकर्मियों को क्या निलंबन भर की कार्यवाही पर्याप्त है? क्या इनका भी जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए? ये तस्वीरें फिर से देखें। इन तस्वीरों में पुलिसकर्मी एक साथ बैठकर हार जीत का दांव लगाते यानी जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद SP टीकमगढ़ रोहित कासवानी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली और देहात थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी जुआ खेल रहे थे। इनका वीडियो किसी शख्स ने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके बाद इस मामले में SP रोहित कासवानी ने संज्ञान लेते हुए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों के नाम मनोज अहिरवार थाना कोतवाली, अनिल पचौरी को थाना कोतवाली, सूरज राजपूत थाना कोतवाली, भुवनेश्वर अग्निहोत्री थाना देहात, सलमान खान थाना दिगोड़ा और रितेश मिश्रा पुलिस लाइन शामिल हैं। फिलहाल खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प खबर के साथ। दीजिए मुझे इजाजत, तो फिर से कहूँगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हमें देख रहे हों तो फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।